आलू पीनट चाट बन के तैयार है। आज ऐसा चाट बनाएंगे कई फ्लेवर के साथ, बहुत पसंद आएगा आपको। खट्टा मीठा चाट एक बार बना के ट्राई जरूर करें। ऐसी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें सोनी सुपर कुकिंग चैनल को। बिल्कुल फिर में हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी अनोखी रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बनाने में भी बहुत ही इजी। आओ देखते हैं कैसे बनती है। हमने यहाँ अपने चार आलू मीडियम साइज के उबाल के अच्छे से छील के ले लिया। अपने आलू ले के कट करें, अपने आलू को छोटे स्लाइस में काट लें। ऐसे करने से आपके आलू की शेप एक जैसी आएगी। आप अपने आलू कच्चे आलू से भी बना सकते हो, फिर अपना टाइम ज़्यादा लगेगा कच्चे आलू से बनाएंगे। अपने आलू काट के तैयार कर लिए, बनाना शुरू कर। गैस को ऑन करके एक कढ़ाई लेके यहाँ पे डाल लें अपना रिफाइंड ऑयल। अपने ऑयल को अच्छे से गर्म करके अपने आलू डाल दें। आपके आलू कच्चे हैं तो आप डीप फ्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। मीडियम आंच पे अपने आलू को फ्राई करें। हमने पहले भी अपने चैनल पे चाट की रेसिपी कई बार दी है, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वो भी आप देख सकते हो जाके। हमने पहले भी कई बार चाट बनाई, हमारे बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है चाट की, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है चाट। आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से बना के खिलाएं, बच्चे खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। दिल लगा के बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने अपने आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हैं। आपने डीप फ्राई करनी है तो आप अपना ऑयल निकाल सकते हैं। आपने ऐसे आलू रख लें अपने, यहाँ पर डाल दें अपना एक चम्मच टोमेटो केचप, आधी चम्मच डाल दें यहाँ सोया सॉस, यहाँ पे डाल दें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, यहाँ पे डाल दें काला नमक, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे डाल दें थोड़ी सी लाल मिर्ची कुटी, यहाँ पे डाल दें आधा नींबू का रस, बहुत ही बढ़िया टेस्ट फ्लेवर आएगा। अच्छे से अपने आलू को मिलाएं अपने सॉस के साथ, अपने मसालों को अच्छे से अपने आलू पे कोट करें, बिल्कुल मीडियम आंच पे बनाएं। यहाँ पे अपनी मूँगफली ले लें, भुनी हुई मूँगफली अपनी छिलका उतार के ले लें, मिलाएं अच्छे से। यहाँ पे डाल दें अपना चाट मसाला, अच्छे से अपने आलू पे अपने मसाले को कोट करके एक मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करके नीचे उतार लें। पे लें अपनी एक प्लेट, सर्विंग करें, निकाल लें अपनी आलू चाट को। गार्निश के लिए डाल दें अपनी किशमिश, आपको पसंद है तो डाल दें, आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। किशमिश डालने से भी अपना चाट बहुत ही टेस्टी लगेगा, खट्टा मीठा मुँह में टेस्ट आएगा। यहाँ पे डाल दें अपने अनार के दाने, हमारा झटपट से बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी आलू पीनट चाट बन के तैयार है। एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें, बहुत पसंद आएगा आपको। आप देख सकते हो कितना बढ़िया, देखने में भी बहुत खूबसूरत, खाने में भी बहुत ही टेस्टी। आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को बना के ज़रूर खिलाएं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चटपटी चीज़ें खा के। हमारी वीडियो पसंद आए आपको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी रेसिपी लेके आते रहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं।